What's up guys? I hope आपका दिन अच्छा जा रहा है. आज मैं लाया हूँ आपके लिए 5 मिनट इंटेंस होम चेस्ट वर्कआउट. तो मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है कि मुझसे वर्कआउट नहीं होगा, ये वो कुछ नहीं सुनना है. मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बिना किसी इक्विपमेंट के अच्छा इंटेंस वर्कआउट कर सकते हो. वर्कआउट शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, और साथ में नोटिफिकेशन का बेल भी बजा देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरा एक भी वीडियो मिस करो. और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो वो भी कर लो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. चलो शुरू करते हैं. हम करेंगे 5 एक्सरसाइज. हर एक एक्सरसाइज हम करेंगे 1 मिनट के लिए, और हर एक्सरसाइज के बीच में लेंगे 10 से 15 सेकंड का रेस्ट. ज्यादा रेस्ट नहीं लेना है क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट है. जितना हम इंटेंस रख सकते हैं उतना बेहतर होगा. पहली एक्सरसाइज होगी डिक्लाइन पुशअप. ये एक्सरसाइज हमारी अपर चेस्ट को ज्यादा टारगेट करेगा, और हम सबको पता है अपर चेस्ट कितनी जरूरी होती है एक कंप्लीट फिजिक के लिए. तो हम ये करेंगे पैर इस पर रख के. आप किसी भी ऊंचे सरफेस पे अपने पांव को रख सकते हो. टाइमिंग करने के लिए आप अपने फोन का इस्तेमाल करना. मैं यहां पर 1 मिनट का टाइमर डालूंगा. चलो पहली एक्सरसाइज हो गई है, अब हम लेंगे 15 से 20 सेकंड का रेस्ट. और अगली एक्सरसाइज होगी नॉर्मल पुशअप, रेगुलर पुशअप जो होता है. ज्यादा वाइड नहीं जाना, ज्यादा नैरो नहीं जाना, शोल्डर विथ से थोड़ा सा वाइड रखना है, और ये भी 1 मिनट तक करना है. अब याद रहे अगर आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो और आप वापस नीचे जा रहे हो तो बस मतलब 5 सेकंड का रेस्ट लो और फिर से चालू हो जाओ. हमें 1 मिनट लगातार करना है ये. अब हम करेंगे तीसरी एक्सरसाइज जो है डायमंड पुशअप. अब डायमंड पुशअप एक बहुत नैरो पुशअप होता है. बहुत लोगों को लगता है कि उंगली टच करनी चाहिए डायमंड पुशअप में, जो गलत है. अगर आप ऐसे करोगे तो आपके रिस्ट पे ज्यादा ही प्रेशर आएगा, तो इसलिए आपको ऐसे नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा गैप देना है ताकि आपके रिस्ट पे ज्यादा प्रेशर नहीं आए. अब हम करेंगे साइड टू साइड पुशअप. मैं अभी फटाफट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. तो इसमें आपको शोल्डर वेट से थोड़ा वाइड ग्रिप रखना है, और आपको एक साइड पे इस तरह होना है, और जब आप ये कर रहे हो तो आपका जो नीचे साइड है वहां पर आपको स्ट्रेच फील करना है. आपको स्ट्रेच महसूस होगा, जैसे अभी मेरे राइट साइड पे बहुत गहरा स्ट्रेच मुझे महसूस हो रहा है, और इसी से आपकी मसल ग्रो करेगी. तो चलिए टाइमर को स्टार्ट कर देते हैं. तो अब 4 एक्सरसाइज हो चुके हैं. आखिरी एक्सरसाइज के लिए हमें किचन पे जाना पड़ेगा. आखिरी एक्सरसाइज है डिप्स. अब डिप्स के हम करेंगे नेगेटिव रेप्स. नेगेटिव रेप मतलब आप मूवमेंट का सबसे टफ पार्ट जो है वो स्किप करोगे, ऊपर छलांग मारोगे, ऊपर जितना होल्ड कर सकते हो उतना करोगे और नेचुरली नीचे आओगे. ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपके वर्कआउट को फिनिश करने का. जो आइसोमेट्रिक होल्ड होता है वो अपनी मसल के लिए बहुत अच्छा होता है. ये करने के बाद आपकी चेस्ट में ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाएगा और आपको बहुत बढ़िया पंप आने वाला है. तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा चेस्ट वर्कआउट. बिल्कुल 5 मिनट का वर्कआउट था, लेकिन बहुत इंटेंस. आप देख सकते हैं जिस तरह का पंप आया है. ओह बहुत मजा आया. आई होप ये वीडियो आपको सिखाता है कि आपको कोई इक्विपमेंट या कुछ फैंसी जिम कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको खुद का शरीर, थोड़ी सी जगह, एक किचन और खुद को बदलने की चाह होनी चाहिए, और
काफी होता है किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और ये वर्कआउट पसंद आया, ट्राई करके मुझे जरूर बोलना कमेंट्स में। प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और शेयर करो किसी एक फ्रेंड के साथ जो बहुत एक्सक्यूजेस बनाता रहता है कि उसके पास जिम नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, ये वो फालतू के एक्सक्यूजेस। आप सबको पता है हम ऑलमोस्ट 500 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करने वाले हैं आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।